Hey guys, welcome back to our channel Zero to Infinity। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आप भी कोई वेबसाइट में अपनी इन्फॉर्मेशन भर रहे हो और वहाँ पे लिखा रहा है एंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये सब आज की वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे यूजर्स कन्फ्यूज हैं इस टॉपिक के ऊपर। होप करता हूँ कि वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे और वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एंटर योर बर्थडे एंड जेंडर इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बहुत सारी वेबसाइट में आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है, आपका बर्थडे कब हुआ है, जन्मदिन आपका कब होता है, ये लिखना है आपका कि आपका जन्मदिन कब होता है। किसी का जैसे 1975 आपको वो सब लिखना है कि कौन सी तारीख और कौन सा महीना और कौन सा साल था जब आपका जन्म हुआ। ये लिखने के बाद यहाँ पे जेंडर क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। जेंडर क्या होता है, दरअसल जेंडर होता है मेल, फीमेल और अदर्स। मेल में आते हैं पुरुष, जो लड़के होते हैं वो मेल में आते हैं, और वुमेन्स होती है और जो लड़की होती है वो आती है फीमेल में। तो अगर आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, और अदर में वो आते हैं जो मेल या फीमेल नहीं हो, वो अदर में आते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सारी लिख देनी है, लिखने के बाद आपको ये सेव कर देनी है और आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फीड कर पाओगे। होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी आपको, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए।